हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने वीडियो के लास्ट में हम अपने ही वीडियो का ऐड कैसे शो कराएं। तो दोस्तों आप ये ऐड शो कराने के लिए आपको अपनी चैनल पर कुछ सेटिंग्स करने होंगे। यूट्यूब ये पॉलिसी में रखता है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को अपने यूट्यूब वीडियो पर ऐड के रूप में एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसके लास्ट में, बीच में या शुरुआत में। तो दोस्तों ये क्या कैसे इसकी सेटिंग करते हैं और क्या करते हैं, तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर इस तरह के टैग रिलेटिव, मेक मनी रिलेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो के बाएँ साइड थोड़ा नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसको दबाकर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारे वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम अपने चैनल पर अपने वीडियो में, अपने YouTube वीडियो में एडवर्टाइजिंग एड, अपने वीडियो का ही एड कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसे लगाने के लिए हम जाएंगे अपने YouTube चैनल पर, जो हमने अपने ब्राउजर में खोलेंगे अपना YouTube चैनल। उसे खोलने के बाद जाएंगे वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद हम जाएंगे, ये हमारा YouTube चैनल है, जैसे ये हमारा YouTube चैनल है, अब इसमें जाएंगे हम चैनल पे। तो हम यहाँ जाएंगे चैनल पे, चैनल पे करेंगे क्लिक। तो दोस्तों चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इन ऑप्शन में हमें क्या करना है कि हमें सेलेक्ट करना है फीचर एंड कंटेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, फीचर एंड कंटेंट का ऑप्शन है, हम जाएंगे इस पर कर देंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तों हमारे सामने खुल जाता है। अब दोस्तों ये यूट्यूब ऑटोमेटिकली हमें एक वीडियो देता है, जो हमारा सबसे लास्ट का वीडियो अपलोड होगा, जो हमारा प्रेजेंट में जो हमने मतलब अपलोड किया होगा, सबसे लास्ट का जो वीडियो होगा हमारा, पहले अभी जो हमने हाल ही में अपना अपलोड किया होगा, तो उसका एक ऐड हमें लाके हमारे यहाँ पे दे देगा, हमें शो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऐड शो कर रहा है मेरी ही वीडियो का, और दोस्तों तो इस तरह से वो शो कर देगा हमारा। तो अब दोस्तों हमें इसका जो ऐड, अगर हमें ऐड इसका चलाना है, तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि यहाँ अपडेट पे जाके क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ये ऐड हमें वो अपने ही वीडियो का ऐड दे देगा और यहाँ पे से जाके हमें अपडेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है इसमें कि हम इसमें स्टार्ट टाइम भी लगा सकते हैं कि हमें ये वीडियो शुरू में चलाना है, ये इसका वीडियो का ऐड शुरू में चलाना है कि बीच में चलाना है कि लास्ट में चलाना है, और कितने टाइम के लिए इस वीडियो का ऐड चलाना है, तो वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की सेटिंग करके हम YouTube पे अच्छे खासे व्यूज़ कमा सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सेटिंग मैं आपको और बताता हूँ कि आप अपने चैनल का ऐड किसी और के वीडियो में कैसे शो कराएंगे। तो दोस्तों YouTube अपनी पॉलिसी में रखता है कि अगर आप चाहें तो अपने YouTube वीडियो को किसी और के वीडियो में एडवर्टाइज कर सकते हैं, मतलब उसके वीडियो में आपकी वीडियो का ऐड आएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप यहाँ जाएंगे चैनल ऐड पे। चैनल ऐड पे जाने के बाद मैं दोस्तों बताता हूँ आपको, चैनल ऐड्स पे जाने के बाद अब जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी लगा हुआ है एक वीडियो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दें। मैं आपको करके ही बता रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने अभी रिमूव कर दिया अपना, ठीक है दोस्तों, मैंने अपना ऐड रिमूव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ऐड लगाना है कि मेरा ये ऐड किसी की और की वीडियो में चले, तो यहाँ से सिलेक्ट योर चैनल ऐड कर देंगे। तो दोस्तों फिर जाएंगे हम वीडियो अंडर 2 मिनट्स पे, ये यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम न्यूएस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे सब वीडियो शो करा देगा। अब जब हमारे सब वीडियो यहाँ पे शो करने लगेंगे, तो दोस्तों हमें जिस भी वीडियो का ऐड किसी और के वीडियो में शो कराना है, उस वीडियो पे जाके हम कर देंगे क्लिक।
उसे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने सेव पर क्लिक कर दिया है और हमारा ये एड किसी और के वीडियो पे एडवर्टाइज होने के लिए रेडी हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने इसमें दो सेटिंग करके बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वीडियो अट्रैक्टिव होगा तो लोग उस पर जाकर क्लिक करेंगे और उसे ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।